नमस्कार सर, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? हम लोग टीजीटी हिंदी मेल के बच्चे हैं और साइंस के लिए है। हम सर साइंस के और इंग्लिश है, इंग्लिश ड्राइंग है मैम है और ड्राइंग की भी बच्चे हैं खड़े हुए, वो भी आए हैं। चार लोग जी, लोग चार पोस्ट कोड के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने डोजर प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ से डीओ के लिए। तो समस्या क्या है, मतलब क्या फोर कब से रिजल्ट आया हुआ, आपका क्या दिक्कत आ रही है? बेसिकली हम लोग का रिजल्ट तो लगभग 2 अगस्त को हम लोग का रिजल्ट आ गया था, लेकिन ड्राइंग वालों का बहुत पहले आया हुआ था। 2020 की भर्ती है वो, अब तक इन लोगों ने उसको डोजर फॉरवर्ड नहीं किए, हम लोग के नहीं करे। 14 के बाद जो भी रिजल्ट आए। तो अभी आपको यहाँ से कुछ जवाब मिला? जवाब पॉजिटिव मिला है। जो उनका प्रोसीजर होता है PNP, वो हम लोग की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब भेज दी गई है। PNP उसको अप्रूवल लेके चेयरमैन साहब से वो अप्रूवल उसको डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करने वाला है। उन्होंने हमसे बताया कि इस वीक में वर्किंग डे माने 2 बचे हुए हैं, इस वीक में नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली आप लोग का डोजर कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता, अगले हफ्ते तक नहीं आता है आपका, जो आपने जिस चीज़ के लिए जो आपकी मांग है पूरी नहीं होती, तो फिर उसके बाद क्या आपकी रणनीति है? रणनीति हमारी ये है कि इस बार हम लोग 50-60 की संख्या में आए हैं, इस बार अगली बार हम पूरे 556 लोग आएंगे हिंदी में जी। और बाकी वाले साइंस के डोजर, हमारा रिजल्ट जो है 28 जुलाई को आ चुका है, अब तक हमारे 18-20 दिन ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमारे डोजर इन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं। तो आज हमने यहाँ पे आके प्रदर्शन किया है, उसके बाद में जो है ना हम इसको सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे, उसके बाद में हम 974 कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे, यहाँ के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएंगे और और ऐसा दबाव बनाएंगे कि ये देखते रह जाएंगे, और उसी दिन हमारा डोजर फॉरवर्ड करना पड़ेगा इन्हें। चलो ठीक है, ओके।